राज का पर सब कृष्ण का नीराजन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, आलिंगन जो है वो आलिंगन करते हुए विराजमान है। राजी माने पंक्ति, तो राज का पर ही, तो नीराजन आलिंगन की पंक्तियां जहां प्राप्त हो रही हैं, नंद आदि हर्ष दृगश्रु धारिया, नंद इत्यादि हर्ष की आंसू बहा रहे हैं, और आप लाभित हो सब कृपया शिष्य। इस प्रकार श्री कृष्ण अश्रुधारा से आप्लावित हो रहे हैं, कृपया शिष्य। तब श्री कृष्ण ने उस समय काली को अनुशिष्य, काली को ये अनुशासन प्रदान किया कि अरे काली तेरे मेरे तू अब मेरे इस ब्रिज में मत रहे, यहां से चला जा, ऐसा अनुशासन प्रदान किया। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण ने कहा कि तेरे मेरे संवाद को जो सुनेंगे उनको तुझसे भय नहीं होगा। ये काली वर्णन की लीला जो श्रवण करते हैं उनको सर्प भय से मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये एक आनुषंगिक फल निरूपण किया। तो कृपया अनुशिष्यतम, कृपा पूर्वक काली का अनुशासन किया। किंचित और फणीन्द्रम निस्सार्य राग, उस काली से कहा कि अब तू चला जा, और उस समय वो काली कहीं चला गया, कहाँ चला गया, मुझे कुछ खिलौना है यही समझना चाहिए कि वो फिर से कहीं अंतर्धान हो गया, कभी जरूरत पड़ेगी फिर दोबारा नया खेल करना होगा, तो चाबी के खिलौने में चाबी भरी और फिर से उसे उसका खेल कर लिया, फिर से हटा दिया। परंतु ये खेल ऐसा है जिसमें ब्रजवासियों को इतना आश्चर्य है, लगता ऐसा है कि जैसे सचमुच ही खेल हो रहा हो, वो खिलौना से खेल रहे हैं ये अनुभूति नहीं है, बल्कि ये अनुभूति है कि सचमुच ही हो रहा है। तम गोपी निवाही पृष्ठ विस्तार माणेन मनोहरेणो बालित्र गीतादि महोत्सवेनो संतोषितो का भगवान स्वघोषम। इस प्रकार गोप गोपियों के समूह के द्वारा आनंदित होकर के और विस्तार माणेन मनोहरेणो, श्री मनोहर जो लीला उनका विस्तार करते हुए बालित्र गीतादि महोत्सवेनो, वाद्य गीत इनके महोत्सव जहां हो रहे हैं, संतोषितो का भगवान स्वघोषम। भगवान उस समय काली हृदय से हट करके अब अपने घोष में पधारे। इस प्रकार ये कादाचित की कभी कभी होने वाली ये जो विशेष लीला है वो उस लीला हुई, और उसमें ब्रजवासियों का कादाचित की लीला में एक लीला है नित्य लीला, एक है कादाचित की। कादाचित की लीला वो जो कभी कभी होती है, और नित्य लीला वो जो कि नित्य होती है। एक तीसरी लीला कह सकते हैं कि जिसका समय निश्चित है परंतु साल में एक बार होगी, उसको हम कहेंगे वर्षोत्सव। तो नित्योत्सव, वर्षोत्सव और कादाचित की, ये तीन लीलाएं हैं। जैसे सावन तीज, हिडोरा, अब ये वर्षोत्सव है, पंत एक निश्चित समय होंगे, दीपावली एक निश्चित समय पे होगी, नित्य तो नहीं है पर निश्चित समय पे होगी, तो वो हो गई वर्षोत्सव की लीला। एक हो गई नित्य लीला, नित्य लीला अष्टयाम लीला है, वर्षोत्सव की लीला वर्ष के जो उत्सव आएंगे उनमें वो लीला होगी। और कादाचित की लीला का मतलब है कि कभी कभी कोई एक लीला यकायक हो गई और उसने विशेष आनंद आया, उसके द्वारा ब्रजवासियों को आनंदित किया, ऐसे श्री कृष्ण क्रीड़ा करते हुए विराजमान। अब इसके आगे ये काली दमन लीला वर्णन किया, अब इसके बाद में एक लीला का वर्णन करेंगे कि केशी और अरिष्ट इन दोनों का भी, ये भी कोई खिलौना है, इन खिलौना में चाबी भर दी तो एक पैर आ जाएगा और केशी भी आ जाएगा और एक साथ आएंगे। हाँ ये अब
वहां पर ब्रिज में तो एक एक क्रम क्रम करके आए, परंतु यहाँ पर एक साथ दोनों आ जाएंगे और श्री कृष्ण एक साथ दोनों को कहीं इनके साथ में भी क्रीड़ा करते हुए विराजमान होंगे। तो ब्रज की लीला अलग है, असुर वध की लीला वहां पर असुर वध तो नहीं है, परंतु असुर वध न होकर के भी उनके दमन की लीला इनका योग माया कभी कभी दर्शन करा देती है। आगे उसका वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय बोलो श्रीमता गौर हरि बोल जय श्री राधे।